नशे में थी ब्रदर, मैं बहुत नशा करती थी। मैं जब चर्च में आई थी मैं तब भी सिगरेट पी रही थी, हर नशा करती थी। डिप्रेशन में चली गई बहुत ज्यादा। मैं देख रहा हूँ एक परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर की सिंसियरिटी को देख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि होली स्पिरिट आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर की हूँ। क्या गवाही है, क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर मैं बहुत 10 साल से मैं नशे में थी ब्रदर, मैं बहुत नशा करती थी। मैं जब चर्च में आई थी मैं तब भी सिगरेट पी रही थी, रात को सुबह जब वर्शिप शुरू होने वाली थी तब भी मैं सिगरेट पीकर चर्च में आई थी। कौन कौन सा नशा कर लेते थे आप उस समय? ब्रदर मैं हर नशा करती थी, चर्स भी पीती, चर्स भी, पुक्की, और जो भी नशा टेबलेट वगैरह जो भी मिलता था मुझे, शराब, बियर, चरस, सब कुछ करती थी, भांग, अफीम, सब ब्रदर, सब मेडिकल नशा। जी ब्रदर सब करती थी। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? ब्रदर जितना मिल जाता था सिगरेट तो तीन या चार पैकेट में खत्म करती थी। और एक दिन में 1.5 बोतल शराब की पी लेते थे, बियर की पी लेते थे, 8 से 10 गोलियां मेडिकल नशे की कर लेते थे। जी ब्रदर। आप क्या काम करते हैं? ब्रदर मैं टीचर हूँ। आप गवर्नमेंट टीचर हैं? जी ब्रदर। और जितना भी पैसा कमाते थे आप सब नशों में उड़ा देते थे? जी ब्रदर। सुबह उठते चाय के साथ लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन आप सिगरेट पीते थे उठ के? जी ब्रदर, मुझे सुबह उठ के सिगरेट ना मिलता था तो मैं परेशान होती थी, कहीं भी ढूंढती थी, मुझे सिगरेट कहीं भी गिरा हुआ भी मिल जाए मैं वो भी उठा लेती थी। सड़कों से जो गिरी हुई बीड़ी या सिगरेट पड़ी होती थी ऑलरेडी यूज्ड थी उसे उठाकर आप पी लेते थे? जी ब्रदर। और आपने कभी इन चीजों से बाहर आने की कोशिश नहीं की खुद से? बहुत की ब्रदर, लेकिन मैं बाहर नहीं आ पाई, उल्टा मैं डिप्रेशन में चली गई बहुत ज्यादा। और आपने मन बना लिया था कि अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी? जी ब्रदर। आपने सुसाइड करने के बारे में सोचा? जी ब्रदर। कैसे ख्याल आते थे आपके मन में? ब्रदर मैं सोचती थी कि स्कूटी लेके जाऊंगी, कहीं भी गिरा दूंगी स्कूटी, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट करूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। और उसके बाद आप जब खामरा चर्च में पहले ही दिन, फर्स्ट डे, पहली बार जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की आपके ऊपर, क्या हुआ फिर आपको उसके बाद? ब्रदर जब ले हैंड प्रेयर हुई तो जब हम वापिस गए ब्रदर, मुझे सिगरेट के धुएं से भी नफरत होने लगी। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठाते हुए कि उस दिन आप अपने बेटे की प्रोफेसी को सुन के आगे आए थे, अपने बेटे के लिए आगे आए थे, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने इस बैन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने इनके बेटे को भी डिलीवर किया, और 10 साल से जो ये बहन इतने नशे में थे, इतने बड़े बड़े नशे करते थे, परमेश्वर ने 10 साल पुराने उस नशे से इस बहन को पूरी तरह से अलग किया, डिलीवर किया। अपने हाथ को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। अपने हाथ को उठाए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अभी आप बहन बताइए कि अभी कितने समय से आपको परमेश्वर ने नशे से आजाद कर दिया, कितने समय हो गया आपको? ब्रदर 1 साल हो गया मैंने सिगरेट बीड़ी कुछ भी कोई नशा नहीं किया। अभी कोई नशा नहीं? 1 साल नहीं से? ब्रदर मैं बिल्कुल आजाद हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ मैं अभी। और कोई तलब नहीं लगती आपको? नहीं ब्रदर, मुझे उसी दिन से तलब लगना बंद हो गई थी। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं इस बिग डिलीवरेंस के लिए, जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।